हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हमारे वेबफ्लो के कोर्स का पहला वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। हम जानने वाले हैं कि बॉक्स मॉडल क्या होता है और वेब डिजाइनिंग के फील्ड में इस मॉडल का क्या काम है। तो जो आप वर्ल्ड में जो भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो, किसी वेबसाइट को आप ओपन कर लो, वो सारे वेबसाइट बॉक्स मॉडल पे ही बेस्ड होते हैं। यानी कि एक वेबसाइट में आप जो भी चीजें देखते हो वो सब कुछ एक बॉक्स है, ना ही लाइन ना ही और कुछ, वो सभी एक बॉक्स है। कैसे, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट को ओपन किया है एग्जाम्पल के लिए एंड आप देख पाओगे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ बटन सब दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो सारी चीजें हैं वो एक बॉक्स है और कुछ नहीं है तो आप यकीन नहीं करोगे। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ मैंने एक एक्सटेंशन को डाला हुआ है इसमें, इसका नाम है CSS पीपर। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो क्रोम वेब स्टोर से एंड इसको जब ओपन करोगे तो आपको इस तरह के एक इंटरफेस मिलेगा। एंड अभी अगर मैं हर एक सेक्शन पे होवर करूँ तो आप देख पाओगे कि जो नैव बार है ये एक बॉक्स है। यहाँ पे देख पाओगे आपको एक लाइन दिख रहा होगा एंड इसके अंदर एक और बॉक्स बना हुआ है, जिस बॉक्स के अंदर हमारा लोगो एंड हमारा जो नेविगेशन सेक्शन है, जब हमारा मेन्यू है वो यहाँ पे आ रहा है एंड सभी मेन्यू के टेक्स्ट भी एक बॉक्स के अंदर है। ओके, यहाँ जो हमारा एक हेडिंग है वो भी देखो एक बॉक्स है, जिसका मैंने कलर चेंज किया हुआ है टेक्स्ट का, वो भी एक बॉक्स है। पैराग्राफ एक बॉक्स है, हमारा जो दो बटन है वो दो बटन भी एक बॉक्स है और दोनों बटन एक बड़े बटन के अंदर में आता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बॉक्स मॉडल में यूज क्यों करते हैं वेबसाइट में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वो इसलिए कि अगर आपने कभी कैनवा और फिग्मा इस्तेमाल किया होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर यहाँ पे मैंने कैनवा को फिग्मा को ओपन किया है तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक बॉक्स लेते हैं, सिंपल इसको डिजाइन करते हैं। ओके, इसका यहाँ से कलर दे देता मैं कुछ, यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं। यहाँ मुझे कोई अगर सर्कल लेना है तो यहाँ से मैं एक सर्कल लूंगा, यहाँ मैं वो डिजाइन कर दूंगा एंड इसको हम कहीं भी रख सकते हैं और कोई भी अच्छा एक डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इतना आसान चीज है, कहीं भी हम इसको रख पा रहे हैं, कहीं से भी इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ, और इस तरह से अगर हम लोग वेबसाइट को भी डिजाइन करें तो वो कितना ईजी हो जाएगा, उसमें हमें उतना कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट मूव करो, उसको डिजाइन करो, छोटा बड़ा करो, हो गया। लेकिन ऐसे सिस्टम में जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जो हमारा वेबसाइट होता है, वेबसाइट का जो वो है वो किसी भी लैपटॉप में किसी भी फोन में कोई भी ओपन कर सकता है एंड जब हम लोग अपना डिवाइस चेंज करते हैं तो डिवाइस का जो साइज है वो भी चेंज होता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, अभी मैंने अपने इस लैपटॉप में इसको ओपन कर रखा है, अगर इसको हम देखें कि इसका जो साइज जो है वो हम यहाँ से छोटा बड़ा करते हैं तो आप देख पाओगे कि जो हमारा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिसाइज कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको मैंने प्रॉपर्टी दिया है कि जब बॉक्स साइज इतना हो तो अपने आपको इस साइज में कर लेना एंड बॉक्स मॉडल हमें उसमें हेल्प करता है। बॉक्स मॉडल की हेल्प से इसका जो है वो एक लिमिटेशन है, लाइक इसके अंदर जो हमारा बॉक्स है वो इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो वो फैल जाएगा एंड हमारा जो ये कंटेनर है ये ऐसा दिख नहीं पाएगा। इसलिए बॉक्स मॉडल हमें हेल्प करता है कि एक सेक्शन में काफी सारे कंटेंट को एक के ऊपर एक रखने का। तो बॉक्स मॉडल जो बेसिकली वो होता ये है कि अगर देखो यहाँ पे मैंने पहला एक बहुत बड़ा सेक्शन लिया है जिसमें कि इसके अंदर मेरा पूरा कंटेंट होने वाला है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है। ओके, इस कंटेनर के अंदर में मैंने एक और बॉक्स लिया है एंड इस बॉक्स के अंदर में मेरा पूरा कंटेंट लेफ्ट साइड का कंटेंट रखा हुआ है एंड राइट में भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है पहले एंड उसके अंदर में हमारा जो बॉक्सेस है वो सब बॉक्स है। ओके, ये सारी चीजें ऐसे मैनेज हो रही है एंड इस बॉक्स के अंदर में जो है हमारा पहला टेक्स्ट का हेडिंग का बॉक्स है, इसके बाद पैराग्राफ का बॉक्स है, फिर बटन का बॉक्स है एंड फिर हमारे बाकी सेक्शन का बॉक्स है। तो इसके हेल्प से क्या होता है कि इस बॉक्स को हम लोग फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बॉक्स में जाते हो कि आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी करना है वो सब कुछ को आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि इसमें आप उसका हाइट विड्थ सब कुछ मेजर कर सकते हो एंड अगर हम लोग बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल ना करें वेब में तो वो कभी भी हम उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाएंगे, बिकॉज हर एक डिवाइस का साइज जो है वो डिफरेंट होता है। लाइक कंप्यूटर कोई इस साइज का भी आता है, कोई इतना बड़ा भी आता है, कोई इतना बड़ा भी आता है। तो अगर हमको उसको ऐसे ही बिना बॉक्स मॉडल के ही अगर एडजस्ट करने लगे तो वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं बन पाएगा। अभी मैं अपना वेब फ्लो ओपन करता हूँ एंड मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि हम बॉक्स मॉडल का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी देख पाओगे, इसको मैं अपने प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो जो मैंने अपने डिजाइन को बनाया है वेब फ्लो के अंदर, तो यहाँ पे देखो इसमें आपको बताया कि ये हमारा एक कंटेनर मैंने लिया है एंड इसके अंदर हमारे एक बॉक्स के अंदर हमारा इमेज है, फिर एक बॉक्स के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हमारा मेन्यू है एंड इस तरह से सभी चीजें जो है वो एक बॉक्स के अंदर है।
हमने एक बहुत बड़ा बॉक्स लिया है जिसके अंदर हम लोग अपना पूरा हीरो सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। इसके अंदर लेफ्ट साइड में एक अलग से कंटेंट है एंड राइट में एक अलग कंटेंट है। तो हमने दो बॉक्स को लिया है, एक में हमने कंटेंट डाला है, एक में हमने एनिमेशन डाला है। तो यहाँ पे देखो हमने जो एक कंटेनर यहाँ पे देखो एक और बॉक्स लिया है जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होगा। एंड यहाँ से मैंने उसको मैनेज किया है कि जो हमारा कंटेंट जो हमारा बॉक्स के अंदर जो कंटेंट होने वाला है वो किस साइड में होगा, लाइक एक के नीचे एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। तो वो सारी चीजें जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, वो है वो राइट पैनल से हम मैनेज कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि ये हमारा CSS पैनल है। ओके, एंड जो ये बॉक्सेस है वो लेने के लिए आपको यहाँ पे देखो प्लस का ऑप्शन मिलता है वेबफ्लो में। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन, कंटेनर, क्विक स्टैक, वी फ्लेक्स, एच फ्लेक्स, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पर ये ध्यान रखो कि जो मेन इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा बॉक्सेस है वो होता है हमारा ये डिव ऑप्शन। इसी डिव को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग सेक्शन कंटेनर बनाते हैं, जो कि आने वाले वीडियोस में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो आपको बस दिखाना कि हम लोग कैसे किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक ये मैंने ओपन किया है अपना एक उबर का वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो हमारा वेबसाइट है इसमें भी कंटेंट की टेक्स्ट कहीं भी रखा हुआ है, इमेज कहीं भी रखा हुआ है, डिजाइन पूरा किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें भी इस एक्सटेंशन को ओपन करूँ और यहाँ पे मैं होवर करूँ तो ये सारी चीजें वो एक बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो बॉक्स मॉडल वो काम कर रहा है। पर अभी यहाँ पे आप बोलोगे देखो भैया यहाँ पे तो ये बॉक्स नहीं है, ये तो एक सर्कल की तरह लग रहा है। तो हाँ, ये एक बॉक्स नहीं है पर ये एक बॉक्स ही है। कैसे? तो मैं फिग्मा ओपन करता हूँ। देखो हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल को लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक बॉक्स है। ओके, ये तो हमारा बॉक्स है, लेकिन इसमें देख पाओगे इसका जो कॉर्नर है वो राउंड करके है, ठीक है। तो अगर मैं सिमिलर चीज इसमें भी करूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो राउंड करने का जो ऑप्शन है इसका मैं अगर राउंडनेस बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि राउंडनेस बढ़ाने से लगभग इसका मैं कर देता हूँ 500 क्या हो गया, देखो इसका साइड जो है वो राउंड हो गया। पर है तो ये बॉक्स ही, इसका बस हमने कॉर्नर को राउंड किया है। तो अभी आप जो अपने वेबसाइट में कोई भी सर्कल भी देखोगे तो वो भी एक बॉक्स ही है, जस्ट हमने उसका जो कॉर्नर है उसको हमने इतना साफ कर इतना स्क्वायर कर दिया, इतना राउंड कर दिया है कि वो अभी सर्कल बन चुका है। इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये एक स्क्वायर नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली एक स्क्वायर को लेते हैं, शिफ्ट में दबाऊंगा एंड एक बॉक्स में बनाऊंगा जो कि एग्जैक्टली स्क्वायर है, आप इसको देख पाओगे विथ और हाइट जो है वो सिमिलर है। अभी अगर इसका हम लोग लाइक रेडियस को अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर हम लोग इसको काफी ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो ये एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ 500 तो देखो ये अब क्या हो गया, ये एक सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है, बट है क्या, ये बिग बॉक्स ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमारा जो कोई भी वेबसाइट का लेआउट होता है तो वो सब कुछ एक बॉक्स में होता है। अगर आप इस चीज को समझ पाओगे तो किसी भी वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करना आपके लिए उतना टफ नहीं रहेगा। मैं थोड़ा और आपको डीप में समझाने का ट्राई करता हूँ एंड मैं कुछ आपको अपने वेबसाइट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन मैंने आपको समझाया कि इस सेक्शन में हमको दो अलग अलग बॉक्स लेना पड़ा, एक कंटेंट के लिए, एक एनिमेशन के लिए। कंटेंट वाले में पहले हमने हेडिंग लिया बॉक्स, उसके अंदर पैराग्राफ, उसके अंदर मैंने बटन लिया एंड उसके अंदर हमने जो है हमारा स्किल्स का जो बॉक्स है वो लिया। एंड इसके बाद राइट साइड में जो वो हमारा एनिमेशन का बॉक्स बन गया। एनिमेशन के बॉक्स में हमने दो बॉक्सेस बनाए, जो कि एक है जो ऊपर की तरफ एनिमेट करेगा एंड एक दूसरा जो है वो नीचे की तरफ एनिमेट करेगा। तो इसमें भी दो अलग अलग बॉक्स हैं एंड बाकी जो अलग चीजें हैं वो भी एक बॉक्स ही है, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स। इस तरह से हम लोग लेआउट को डिजाइन करते हैं। ओके, मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ इसलिए मैं शायद आपको अच्छे से समझा ना पाऊँ, लेकिन मैं अपने ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो ये मेरा वर्क सेक्शन है, प्रोजेक्ट सेक्शन मेरा, जिसमें कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से वेबसाइट को बनाया है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि एक सेक्शन के लिए यहाँ मैंने कंटेनर लिया है, उसके अंदर मैंने एक हेडिंग बॉक्स लिया है एंड इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है उसको मुझे एक के बाद एक दिखाना था। तो अगर हम ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कर सकते विदाउट एनी बॉक्स, तो टेक्स्ट के बाद मैंने एक बड़ा बॉक्स लिया जिसके अंदर हम लोग छोटे छोटे बॉक्स को बनाने वाले हैं। अगर यहाँ मैं होवर करूँ तो यहाँ पे देख पाओगे एक बड़ा सा बॉक्स है। यहाँ पे देखो कलेक्शन लिस्ट नाम है इसका एंड ये इतना बड़ा बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है जिसके अंदर छोटे छोटे तीन बॉक्स अलग अलग हैं एंड इसके नीचे फिर से तीन बॉक्स हैं। जितना मेरा वेबसाइट रहेगा उतने सारे यहाँ पे ये बॉक्स बने हुए हैं। इस बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है, बॉक्स बॉक्स। तो जो हम डिजाइन करेंगे आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा, पर आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप
वेबसाइट में देखोगे किसी भी वेबसाइट में वो सारे एक बॉक्स होते हैं, एंड ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको किसी भी वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करने में उतना कठिनाई नहीं होगा। ओके तो आज के लिए इतना ही, अपने नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारा वेबफ्लो के जो पैनल्स है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, लाइक यहाँ पे जो हमको इतना सारा ऑप्शन मिलता है ये सारी चीजें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंड उसके बाद वाले वीडियो में वेबसाइट इसके जो लेआउट है लाइक कलर सब कैसे डालेंगे, सेक्शन को कैसे डिजाइन करेंगे लाइक सीएसएस पार्ट, वो हम लोग इस सेक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो कि मैं अपने इस कोर्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप मुझे वो भी कमेंट बताना ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस कोर्स को कंप्लीट करने का, एंड अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करना अगर उनको इस वीडियो का नीड हो। मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।